हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस एक व्लॉग मैंने बनाया था और उस व्लॉग में मैंने एक सब्जी बनाई थी, व्रत वाली सब्जी, जो काफ़ी सिंपल थी और उतना स्वाद नहीं था। मतलब होता है ना कि तेल से ही स्वाद नहीं होता, आप प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाल सकते और व्रत वाली सब्जी में गर्म मसाला भी नहीं डाल सकते। तो उस सब्जी को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, तो आज मैंने बहुत पूछा इधर उधर अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो एक फ्रेंड ने मुझे कुछ सजेस्ट किया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे व्रत वाले खाने को और स्वादिष्ट आप बना सकते हो। और व्रत का ही नहीं, कभी भी ये चीज़ें तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है धनिया। तो ये मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 मोटी मोटी गड्डी ली थी धनिया की। अब मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केजी के हिसाब से नहीं मालूम है मुझे। तो खैर, धनिया तो हर मौसम में, और ये है कि धनिया को या पुदीने को ना साफ बहुत अच्छे से करिए आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी होती है। और ये इसका क्या है, ये वाली जो मैं बना रही हूँ ना, जो भी पाउडर बना रही हूँ, इसमें धनिया की डंठल ज़रूर यूज़ करिएगा। और देखिए, मैंने 4-5 बार धो दिया, इसकी गंदगी निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और क्योंकि इसे मुझे ड्राई करना है, और ड्राई में वो मिट्टी अगर रह गई ना, तो वो खसखस खसखस होगी। तो इसे बहुत अच्छे से ड्रेन करना है इसकी मिट्टी को। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि धनिया की एक पत्ती गिर रही है, 2 पत्ती गिर रही है, पर इसकी जो रेत होती है ना, रेत को हटाना बहुत ज़रूरी है ये पूरी रेसिपी में। तो अब ये ऑलमोस्ट धुल गई है और अब ये काटने को हो गई है तैयार। तो देखो, इसको वॉश कर लिया तो ये चमक भी रही है। जब मैं लाई थी तो उतनी शाइन नहीं कर रही थी, लेकिन इसको अच्छे से 5-6 बार से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से मैंने धोया था। तो और क्या होता है, जब आप धनिया या कुछ लाते हो तो लोग क्या करते हैं कि धनिया को का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अंदर ना कुछ और सब्जियां या पत्तियां डाल देते हैं। तो उन्हें आप बहुत ध्यान से बीनने के बाद ही धनिया काटिएगा। पता चला आप धनिया के उसमें कुछ कभी मेथी या कुछ मिला देते हैं। तो इस धनिया को मैंने बहुत अच्छे से देखिए चॉप कर लिया है। जितना अच्छा चॉप कर लोगे, उतनी क्या होता है, जितनी छोटी छोटी धनिया होगी ना, उतना सूखने में आसानी रहेगी। तो इस धनिया को हम लोग ड्राई करने वाले हैं, और इसकी डंठल को बिल्कुल भी मत हटाइएगा। क्या होता है कि जब डंठल रहेगी ना, तो ये धनिया का वॉल्यूम भी रहेगा। अगर डंठल आपने हटा दी ना, तो इसका वॉल्यूम ही नहीं रहेगा। मतलब पिस पिसा के धनिया बहुत थोड़ी हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डंठल रखना बहुत ज़रूरी है। और डंठल की खुशबू तो आपको पता ही है, अगर आप फ्रेश धनिया लेते हो तो डंठल की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये धनिया काटते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें और पत्तियाँ इंक्लूडेड ना हो। कभी कभी ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये घास या कुछ ऐसी कभी मेथी डाल देंगे या कभी कुछ डाल देंगे ना, तो वो आपके व्रत के लिए फिर नहीं आएगी, क्योंकि मेथी मेरे ख्याल से नहीं खाते हैं व्रत में। तो ये धीरे 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 काटते काटते, हालांकि इतना मुश्किल नहीं था धनिया काटना, और ये फ्रेश धनिया थी तो बड़ी इजीली कटती भी जा रही थी। और बहुत बहुत ऐसा नहीं कि एकदम आपको एकदम छोटा छोटा माइन्यूट चॉपिंग करनी, ऐसा भी नहीं है। तो ये इतनी धनिया थी मेरी, आप लोग बताइएगा कितनी है। और जिस हिसाब से आपको तीखा पसंद है, आप उस हिसाब से मिर्च लीजिएगा। तो मैं सब्जी में भी मिर्च डालती हूँ, इसलिए मैंने इतनी ही मिर्च ली थी। और इसे आप ना मिक्सी में पीसिएगा तो भी दरदरा पीसिएगा, इसे एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पाउडर के लिए, कि इसमें दरदरा होना चाहिए मिर्च का जो भी है। और ये इससे ज़्यादा बेटर मुझे कुछ नहीं लगता है। जब भी आपको कुछ छोटा मोटा पीसना होता है, अनियन या ये चीज़ें, तो इसमें बड़ी अच्छे से पीसेस आ जाते हैं। और यहाँ पे मेरी धनिया तैयार हो गई और कुटी हुई मिर्च तैयार हो गई। तो अब आप सोचोगे, कुटी हुई मिर्च का हम करेंगे क्या? कुटी हुई मिर्च को इस धनिया में अच्छे से आप वो कर दोगे, क्या करते हैं, मिक्स कर दोगे। अगर आप पेस्ट बनाओगे ना, तो आप इसे सुखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसको क्या करना है, छोटे छोटे जो मतलब पीसेस में ही करना है, क्या कहते हैं उसे, ग्राइंड, मतलब दरदरा पीसना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, और हाथ से मत निकालिएगा, क्योंकि फिर वो हाथ पता नहीं रहते ना कि कहीं मुंह में चले जाएं, कुछ चले जाएं, आँख में चले जाएं, तो बहुत मिर्ची लगती है। तो इसको बहुत अच्छे से पूरी धनिया में ना अच्छे से मिला दीजिएगा।
तो जो अच्छा कुछ गलतियां मैंने की थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो गलतियों से हालांकि काफ़ी चीज़ें मेरी वेस्ट भी हो गई, इसमें काफ़ी धनिया वेस्ट भी हो गई थी। अच्छा अब क्या हो गया, इसमें मिर्च हो गई, धनिया हो गई, तो चटपटा बनाने के लिए इसमें मैंने नींबू लिया है, और इसमें मैंने 3 नींबू लिए थे, मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। अगर आप ज़्यादा लो तो इसमें 4 मैक्स टू मैक्स 5 नींबू आप डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नींबू डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें धनिया हो गई, मिर्च हो गई और नींबू हो गया, तो सब्ज़ी का स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा इसमें सीड्स नहीं जाने चाहिए, अगर आपके बीज इसमें चले गए ना तो फिर तो आप सोच लो कि बीज का वो जो कड़वापन होता है ना वो बहुत ही ख़राब लगता है, ठीक है। तो इसमें 3 नींबू मैंने डाले थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 नींबू डाल दीजिए, और इस पूरे जो भी है ये धनिया मिर्च और नींबू इसको बहुत बहुत अच्छे से मिलाइएगा। अब आ गई बारी सुखाने की, तो मैंने क्या गलती की थी, मैंने इसी बर्तन में सुखा दिया था, जो कि मेरी बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक थी, वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में इसे सुखाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है पानी को सोख कर लेता है ना, तो आपकी पूरी धनिया क्या है वेस्ट नहीं होगी, और न्यूज़पेपर में बहुत जल्दी सूख भी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसे न्यूज़पेपर में सुखाएंगे, किसी बर्तन में या किसी भी चीज़ में नहीं सुखाएंगे। और मैंने आज बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, और इसके ऊपर मैंने वही पाउडर भी मैंने पीसा नहीं था, लेकिन मैंने स्प्रेड करके एक टेस्ट करने के लिए देखा था कि इसका टेस्ट कैसा आता है। तो आप यकीन करिए बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था। क्या चाहिए खाने में, नींबू धनिया भी थी, और ये धनिया आप स्टोर करके भी रख सकते हो, अभी विंटर्स है ना तो धनिया बहुत सस्ती मिलती है, और जैसे जैसे समर्स आएंगे ना, ऑलमोस्ट समर आ ही गए, तो धनिया आप सोचिए आसमान छूते हैं, इतनी महंगी हो जाती है। तो आप इस धनिया को स्टोर करके भी रख सकते हो, मिर्च की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो, और नींबू भी आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा है। और ये जो पाउडर मेरा इतना ही बचा था, क्योंकि मेरी जो धनिया थी मैंने उसमें स्टील के बाउल में सुखाई थी, तो नीचे की धनिया ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आप मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप हमेशा न्यूज़पेपर में ही धनिया करिए, क्योंकि उसका पानी सोख जाता है, क्योंकि इसमें डंठल थी मोटी मोटी, इसलिए इसे पीसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप चाहें तो इसे छान सकते हैं छन्नी से, और मैं नहीं छान रही थी क्योंकि अननेसेसरी का मेरा ऑलरेडी इतनी धनिया वेस्ट हो गई थी, तो मैं अब इसे छानना नहीं चाहती थी। आप इसे छान भी सकते हो, तो बहुत फाइन जो चीज़ें होंगी वो उसमें आ जाएंगी, और जो छोटी छोटी डंठल दिख रही हैं वो नहीं आएंगी। और इसको मैंने स्टोर करके रख लिया था, ये अच्छे खासा टाइम तक चल जाती है, और आप फ्रिज में रखोगे तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो आराम से चल जाएगी, इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, है ना। तो ये है ना एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे गर्मियों के सीज़न में व्रत में किसी कभी भी काम आ सकती है।